हेलो एवरीवन नमस्कार वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हमने अरिहन की किताब कवर करना स्टार्ट किया था जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स करेंट अफेयरसटार्टिंग मॉडर्न हिस्ट्री हो गया सारा हिस्ट्री का पार्ट हमने कम्प्लीट कर लिया जोग्राफी कम्प्लीट कर लिया और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंडियन इकोनॉमी के बारे में मैं आज पढ़ाऊँगा दोस्तों जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होता है ओके okay? हर एग्ज़ाम में आपको मिनिमम फाइव टू सिक्स क्वेश्चन इकोनॉमी के रिलेटेड पूछे जाते हैं तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशनस हैं क्या क्या इकोनॉमिक प्लानिंग है प्लानिंग कमीशन के बारे में फाइव ईयर प्लान्स के बारे में सारा कुछ पढ़ेंगे इस लेक्चर में तो चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ओके लेट स्टार्ट पहला है हमारा आउटलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी द इकोनॉमी ऑफ इंडिया जो कि हमारे फिफ्थ लार्जेस्ट बन चुकी है दोस्तों बे नॉमिनल जी डी पी और अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में अगर आप देखेंगे उस लाइन से देखेंगे तो हम लोग थर्ड लार्जेस्ट है दोस्तों ओके okay. सो so, हमारी इंडियन इकॉनॉमी की नेचर कैसा है ओके सो इट इज़ मिक्सड इकोनॉमी एक्जिस्टेंस ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर द टर्म वॉज क्वाइंड बाय पैट मिलियंस सपोर्टेड बाय जे एम किन्स दोस्तों और अग्रेरियन इकोनॉमी है क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो इंडिया की लैंड है वो एग्रीकल्चरल लैंड है एंड इवन आफ्टर सिक्स डिकेट्स ऑफ इंडिपेंडेंस फिफ्टी एट परसेंट ऑफ द वर्क फोर्स ऑफ इंडिया इज स्टिल एग्रीकल्चरिस्ट ओके जो कि अराउंड सेवेंटीन परसेंट तक कॉन्ट्रीब्यूट करती है जी डी पी को और क्या क्या फीचर्स हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी के तो पहला स्लो ग्रोथ ऑफ नैशनल पर कैपिटा इनकम दूसरा कैपिटल डिफिशियंसी एंड लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन ठीक है ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर अलॉन्ग विद लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर दोस्तों इवन दो हम लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड होते हैं बट हमारा जो ग्रोथ है वो बहुत ही लो प्रोडक्टिविटी है दोस्तों ओके हैवी पॉपुलेशन है अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास ओके यू नो मेजर चंक ऑफ वेल्थ कॉन्सेंट्रेटेड विथ इन वन परसेंट ऑफ द पीपल राइट मास पावर्टी देखने को मिलेगा क्रोनिक इन्फ्लेशन क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट सारा कुछ है नेक्स्ट ब्रॉड सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात करें पहला है प्राइमरी सेक्टर दोस्तों जिसमें एग्रीकल्चर फॉरस्ट्री फिशिंग माइनिंग देखने को मिलेगा सेकेंडरी सेक्टर की बात करें इसमें मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई कंस्ट्रक्शंस आता है और टेरिशरी सेक्टर जो कि मेनली सर्विस सेक्टर जिसे कहते हैं बिजनेस ट्रांसपोर्ट टेली ओके बैंकिंग इंश्योरेंस रियल इस्टेट कम्युनिटी और पर्सनल सर्विसेज ये सारा कुछ जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उन सारा कुछ टेरिशरी सेक्टर में आता है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया दोस्तों किस तरह से हमारे आ, इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग की शुरुआत हुई थी पहला जो है एक प्लानिंग कमीशन को बनाया गया था 1950 फिफ्टी में वह सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू ओके द बेसिक एम ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इज टू ब्रिंग रैपिड ग्रो इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पॉवर एंड अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी नीति आयोग की बात करें नीति आयोग और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग केम एम इन टू एग्जिट और फर्स्ट जनवरी 2015 जब से हमारे मोदी जी की गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग को लेकर आए हैं तो एक पॉलिसी मेकिंग टिंक टैंक है के ऑफ गवर्नमेंट दैट रिप्लेस प्लानिंग कमीशन एंड एम्स टू इन्वॉल्व स्टेट्स इन इकोनॉमिक पॉलिसी इट विल प्रोवाइड स्ट्रैटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइस टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट उस द प्राइम मिनिस्टर हेड्स द आयोग एंड एज अ चेयरपर्सन और राजीव कुमार चेयरपर्सन नीति आयोग ऑफ इंडिया अभी कौन है आप एक बार चेक कर लीजिए हिस्टोरिकल माइल स्टोर की बात करें प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया एम विश्वेश्वरा नेशनल प्लानिंग कमिटी जो बुलाई गई थी जवाहरलाल नेहरू बॉम्बे प्लान लाया गया था नाइनटीन में गांधी प्लान लाया गया था फोर्टी फोर एस एन अग्रवाल पीपुल्स प्लान लाया गया था एम एन रॉय के द्वारा नेक्स्ट सर्वोदया प्लान आया था दोस्तों 1950 में जेपी नारायण जी लेके आए थे ठीक है सो फाइव ईयर प्लान अटेक ओके तो पहला फर्स्ट प्लान आया था 1951 से लेकर 56 तक दोस्तों ये बेस्ड ऑन हेरोड डोमर मॉडल ओके इंपॉर्टेंट है कौन से मॉडल पर बेस है वो भी आपको एक एक बार एग्जाम में पूछते हैं तो इट इज बेस्ड ऑन हेरड दोमार मॉडल टारगेट इज टू पॉइंट वन अचीव हमने एक्सीड कर दिया था टारगेट को थ्री पॉइंट सिक्स परसेंट सो अग्रीकल्चर इरीगेशन और इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों ठीक है सेकेंड फाइव ईयर प्लान आया नाइनटीन फिफ्टी सिक्स से लेकर सिक्सटी वन तक जो कि पी सी महल नोबिस टू सेक्टर मॉडल पर इसको डेवलप किया गया था हेवी इंडस्ट्रीज पर ज़्यादा फोकस किए थे लोगों ने थर्ड आया था दोस्तों नाइनटीन सिक्सटी वन टू सिक्सटी सिक्स जो कि इंपॉर्टेंट सेक्टर फूड ग्रेन्स एंड हैवी इंडस्ट्रीज़ हो गए उसके बाद प्लान हॉलीडे आया था 1966 से लेकर 69 तक तीन साल का गैप दिया गया था दोस्तों प्लान हॉलीडे जिसे कहते हैं और फोर्थ फाइव ईयर प्लान आया 1969 से लेकर 74 जो कि मेनली फोकस किया गया था एग्रीकल्चर पे बट इस बार हम लोगों ने टारगेट अचीव नहीं कर पाए दोस्तों फाइव रखा था बट थ्री ही हम लोगों ने अचीव किया उसके बाद फिफ्थ फाइव ईयर प्लान आया रिमूवल ऑफ पावर्टी टारगेट था रोलिंग प्लान लाया गया था दोस्तों दो साल के लिए ओके उसके बाद सिक्सथ फाइव ईयर प्लान लाया गया था एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज सेवंथ इज अगेन नाइनटीन एटी फाइव टू नाइनटीन नाइन्टी एनर्जी एंड फूड ग्रीनस ओके उसके बाद टू एनुअल प्लान्स लाए गए थे क्योंकि उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी बहुत ही डाउन थी और मनमोहन जी ने एल रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था जब उस टाइम पर वो लोग फाइनेंस मिनिस्टर थे ओके सो प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात की गई थी उसका एटथ फाइव ईयर प्लान आया 1992 टू 97 जो कि ह्यूमन रिसोर्स एजुकेशन है नाइन्थ प्लान लाया गया था 97 टू 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 सोशल जस्टिस टेंथ फाइव ईयर प्लान जो कि 2002 थाउजेंड टू 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 थाउजेंड सेवन इनकम एनर्जी पर फोकस किया गया था इलेवेंथ जो है इंक्लूसिव ग्रोथ जो कि 2007 से 2012 तक ये कंटिन्यू हुआ के और 2017 तक लास्ट फाइव ईयर प्लान आया था फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ पे उसका नेशनल इनकम इन इंडिया की बात करें देखिए नेशनल इनकम इज नथिंग बट सिंपल भाषा में कहे जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की जो एग्रीगेट वैल्यू होती है ना जो एक साल में आपने कितना गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया उसकी एग्रीगेट वैल्यू कितनी होती है उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं जैसे पहला हो गया जीडीपी दोस्तों जीडीपी का मतलब यह है कि इट इज़ अ फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज मतलब हमारे कंट्री में जो गुड्स एंड प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस किए गए हैं उसका कितना फाइनल वैल्यू उसे जी कहा जाता है एन डी के नथिंग बट जी डी पी माइनस डिप्रीशियेशन मतलब डिप्रिशिएशन uh, चाहे वो मशीन डिप्रीशियेशन हो चाहे वो लॉस का हो ओके okay, जितना भी हुआ है उसको अगर जी डी पी से अगर निकाल देंगे हम उसको कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसके बाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो कि टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड प्रोडक्ट्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ए गिवन पीरियड ओके okay, उसके बाद आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट दोस्तों बस अ प्रैक्टिंग वैल्यू फ्रॉम जी एन पी ठीक है सो इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर किस तरह है हमारा पहला डायरेक्ट टैक्स होगा और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होगा दोस्तों डायरेक्ट टैक्स की बात करें द टर्म डायरेक्ट टैक्स जनरली मीन्स ए टैक्स पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट और हुम इट इम्पोज एग्जाम्पल ए इनकम टैक्स कॉरपोरेट इनकम टैक्स ओके कैपिटल गेन टैक्स स्टैम्प ड्यूटी ये सब रहता है दिस गवर्नमेंट अर्नस मैक्सिमम फ्रॉम कॉर्पोरेट इनकम टैक्स सो इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें इनडायरेक्ट टैक्स इज टैक्स कलेक्टेड बाई इंटरमीडरी फ्रॉम द पर्सन हु बेट्स द अल्टीमेट इकोनॉमिक बर्डन ऑफ टैक्स सेल्स टैक्स और वैट कस्टम ड्यूटी इंश्योरेंस प्रीमियम टैक्स ओके जीएसटी की बात करें जीएसटी एस एज इट इज़ मोर कॉमनली प्रिफोर्ड इज़ ए सिस्टम ऑफ टैक्सेशन जो कि 2017 में पहली फर्स्ट जुलाई को इसको लाया गया था दोस्तों कि पहली बार इसको प्रपोज किया गया था टू थाउजेंड में बट फाइनली आफ्टर मोदी जी गवर्नमेंट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया राइट यहाँ पे टैक्स क्रेडिट अवेलेबल दिया जाता है एट ईच स्टेज ओके ऑफ द वर्ल्ड चेंज नेक्स्ट इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करें देखिए पहला है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये okay, ओके इसके इंडेक्स भी आते रहते हैं सो एच डी आई मेजर वॉज गिवन बाई किसने दिया था है? पाकिस्तान के नोबल प्राइज विनर महबूल महबूबुल हक ने दिया था दोस्तों ओके सो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज मेजर बाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स परचेज बाई यू एन डी पी सिंस नाइनटीन नाइनटीन इसके तीन डायमेंशन है कितने डायमेंशन है तीन डायमेंशन एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ दूसरा एजुकेशन इंडेक्स कंप्राइजिंग मीन्स ईयर ऑफ स्कूलिंग ओके तीसरा जी एन आई पर दोस्तों इंडिया has been ranked 131 out आउट ऑफ countries. एटी नाइन कंट्रीज याद रख लीजिए कितने 189 में 131 थर्टी वन कंट्रीज इंडिया का रैंक है ये एक्चुअली टू थाउजेंड ट्वेंटीज़ का एच डी आई है इट इज़ आउटडेटेड ओके तो अभी की बात करें तो इंडिया का रैंक 132 हो चुका है दोस्तों आउट ऑफ 192 नाइनटी टू कंट्रीज ओके इस बार कंट्रीज भी बढ़ चुके हैं और इंडिया का रैंक भी इंक्रीज़ हो चुका है आ, प्रोग्राम सर मेजर की बात करें पहले एन आर एच में जिसे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कहते हैं इसको लॉन्च किया गया था सेकंड अप्रैल टू थाउजेंड फाइव टू रिड्यूस इन्फेंट मोटेलिटी रेट एंड मैटरनल मोटालिटी रेट को रोकने के लिए उसके बाद एन यू एच ए नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन जो कि 2013 में इसको लॉन्च किया गया था जो कि एजुकेशन प्रोग्राम लाइक सर्व शिक्षा अभियान मिड डे मील स्कीम ये सारा कुछ आए थे दोस्तों उसका रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे कि मनरेगा भारत निर्माण सब कुछ इसको लॉन्च किया गया था नेक्स्ट पावर्टी की बात करें अर्स्ट वाइल प्लानिंग कमीशन एस्टिमेटेड पावर्टी रेट बेस्ड ऑन डेटा कलेक्टेड बाई नेशनल सैम्पल सर्वे ठीक है तो हम लोग पावर्टी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं जो भी डेटा हमको प्रोवाइड किया जाता है नेशनल सैम्पल सर्वे जी के द्वारा तो उनके जरिए से हम कैलकुलेट करते हैं दोस्तों सो मेन रीजन फॉर रूरल पावर्टी की बात करें रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ ऑब्वियसली लैक ऑफ कैपिटल क्योंकि अभी तो इंडिया चाइना को भी पीछे ढगल दिया है इन केस ऑफ पॉपुलेशन लैक ऑफ कैपिटल फॉर अर्बन पॉवर्टी की बात करें तो माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज और जो लैक ऑफ लेबर्स ना होने की वजह से भी होता है राइट एंड बेस्ड ऑन 2400 थाउजेंड कैलरीज रूरल एंड 2100 थाउजेंड कैलरीज अर्बन सो मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर 454 रखा गया रूरल के लिए और 540 रखा गया अर्बन के लिए राइट right? सो so, ये ओल्ड डेटा है 2004-5 का तो एस्टिमेटेड पॉवर्टी रेशियो 27.5 परसेंट था जो कि हमारे जो सुरेश तेंडुलकर कमेटी बनाई गई थी दोस्तों ताकि पॉवर्टी का अंदाज़ा लगाया जाए तो दे हैव सेट 37.2 परसेंट ओके सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे सोशल इकोनॉमिक प्रोग्राम्स हैं जो लॉन्च किए गए हैं इंपॉर्टेंट जो है इंदिरा आवास योजना नाइनटीन ओके okay? जवाहर रोजगार योजना ये भी इंपॉर्टेंट है नाइनटीन और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना टू में लॉन्च किया गया था दोस्तों राइट भारत निर्माण 2005 राइट right, ये भी इंपॉर्टेंट है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 2008 थाउजेंड ईट सो मनरेगा कब लाया गया था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम ये भी इंपॉर्टेंट है टू एंड नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन टू स्वच्छ भारत अभियान इंपॉर्टेंट दो और प्रधानमंत्री जनधन योजना ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है टू ओके डिजिटल इंडिया प्रोग्राम दो स्मार्ट सिटी मिशन लाया गया प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015 सुरक्षा बीमा योजना राइट right? जब मोदी जी इलेक्ट हुए थे 2014 में तो उसके बाद उन्होंने बहुत बहुत सारे स्कीम्स लेकर आए थे दोस्तों okay? उजाला योजना हो गया 2016 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लाया गया था 2016 में राइट right? और प्रधानमंत्री सहज बिजली घर घर योजना राष्ट्रीय वायुश्री योजना तो दिस आर द इम्पॉर्टेंट स्कीम जो हमने डिस्कस किया है okay? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं सो so, सौभाग्य योजना भी इंपॉर्टेंट है उड़ान स्कीम उड़ान स्कीम के तो उड़ान टू पॉइंट वो भी आ चुका है अभी 2017 में लाया गया था आयुष्मान भारत इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम माना जाता है ठीक इनफैक्ट दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ हेल्थ स्कीम है ये okay? नेक्स्ट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि टू ओके पी एम okay? स्वनिधि टू थाउजेंड ट्वेंटी आत्मनिर्भर भारत स्कीम 2020 ओके पीएम एम वाणी स्कीम लाया गया था 2020 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना टू थाउजेंड ट्वेंटी सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट इट रेफर्स टू सिचुएशन वन ए पर्सन इज एबल एंड विलिंग टू वर्क एट प्रीवेलिंग वेज रेट बट डज नॉट गेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क दोस्तों वो काम करने चाहता है एंड ही हैज ऑल द स्किल्स बट ही डो नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी एस्टिमेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें सिंस नाइनटीन सेवेंटी थ्री ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बी भगवती कमेटी थ्री एस्टिमेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैव बीन बॉट दोस्तों पहला है

मिड डे मील स्कीम जो कि बहुत ही फेमस है ओके नाइनटीन नाइन्टी में लाया गया था स्वधार 1995 नाइन्टी फाइव राइट उजा उज्ज्वला स्कीम 2007 में लाया गया था धनलक्ष्मी स्कीम 2008 ओके एंड नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू में इसको लाया गया था दोस्तों राइट एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक रेवोल्यूशन छा गया था हमारे इंडिया में 2015 में पीएम उज्ज्वला योजना पीएम मातृ वंदना योजना दोस्तों सुपोषित महाअभियान दो हज़ार में इसको लाया गया था राइट एंड एग्रीकल्चर की बात करें देखिए एग्रीकल्चर इज ए मेन स्टे ऑफ इंडियन इकोनॉमी इट मेक्स इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन जी डी जैसा हमने कहा कि हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट या फिर अग्रेरियन इकोनॉमी है ओके फिफ्टी मोर देन फिफ्टी हम लोग वहाँ पर डिपेंड होते हैं एंड इट विल कॉन्ट्रीब्यूट मोर देन सेवनटीन परसेंट टू अर इकॉनमीमी राइट सो ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द यूज़ ऑफ एच वाई बी एस यानी हाई यील्ड वेराटी सीड्स दोस्तों केमिकल फर्टिलाइजर न्यू टेक्नोलॉजी लाया गया थे। डॉक्टर स्वामीनाथन जो है गोल्डन फाइबर जूट से रिलेटेड है पिंक की बात करें तो ऑनियन रेड इज नथिंग बट मीट रेवोल्यूशन व्हाइट इज नथिंग बट मिल्क येलो इज नथिंग बट ऑयल सीड दोस्तों सो ट्राई कलर रेवल्यूशन की बात करें थ्री कॉम्पोनेट सैफ्रॉन रेवल्यूशन सोलर एनर्जी व्हाइट रेवल्यूशन कैटिल वॉरफेयर ब्लू रेवल्यूशन फिशरमैन्स वॉलफेयर इनको कहा जाता है सो इंडस्ट्रीज देखते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी वॉज लॉन्च इन एंडियन पॉलिसी नाइनटीनिज कॉल्ड इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी वन ओपन अपी इट्स मेन एम्स टू इंड लाइसेंस परमिट राजेट इंडियन इकॉनमी वर्ल्ड टू रिमूव रेस्ट्रिक्शंस और टू रिफॉर्म पब्लिक सेक्टर्स ठीक है दिस आर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी नाइनटीन नाइनटी वन सो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को इंट्रोड्यूस किया गया उसके बाद क्योंकि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं रिक्वयरिंग कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्योंकि चाहे वो डेस्टिलेशन के हो या फिर कोई अल्कोहलिक ड्रिंक्स का बिजनेस कर रहे हो सिगार सिगरेट्स का बिजनेस कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस हो गया डिफेंस इक्विपमेंट हो गया या इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिवस हो गए या कोई भी ऐसा केमिकल हो जो हजारडस हो दोस्तों तो उनके लिए लाइसेंस लेना कंपलसरी बना दिया गया है ओके एंड व्हाट आर द एरियाज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर अटोमिक एनर्जी एनरिचमेंट ऑफ फ्यूजन मटीरियल्स रेलवे एवरीथिंग ओके सो प्रेजेंट पॉलिसी ऑन पी इज नॉट टू प्राइवेटाइज प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज एंड टू मॉडर्नाइज रिविक रिवाइज सि कंपनीज ओके अब इसके बाद महारत्ना नवरत्न और मिनी रत्न का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था दोस्तों ओके आपने बहुत बार सुना होगा कि ये कंपनी नवरत्ना के अंडर आती है और दिस कंपनी कम्स अंडर महारत्ना सो इन ऑर्डर टू हैव ए प्रॉपर मैनेजरिकल एंड कमर्शियल ऑटोनोमी टू पी तीन कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है पहले महारत्ना हो गया जो कि स्टार्ट हुआ था 2009 में ओके okay, 10 महारत्ना और ओएनजीसी सेल आईओसी एनटीपीसी कोल इंडिया वी ओके पी पी सी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ये महारत्ना कंपनी की बात करें तो यहां पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ऑयल इंडिया लिमिटेड पावर फाइनेंस कंपनी ओके एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेटेड शिपिंग कॉरपोरेट ये सब कुछ नवरत्ना है मिनी रत्ना की बात करें तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज हैव मेड ए प्रॉफिट कंटिन्यूसली फॉर लास्ट थ्री ईयर्स एंड ए पॉजिटिव नेटवर्थ। ठीक एट प्रेजेंट देर आर सिक्सटी वन इन कैटेगरी वन एंड बारह जो है कैटेगरी टू में रखा गया है राइट और इंडस्ट्रियल के लिए भी कमेटीज़ बनाई गई हैं पहले हजारी कमेटी थी ऑन इंडस्ट्रियल पॉलिसी उसका शुभीमल दत्त कमेटी बनाई गई थी इंडस्ट्रियल लाइसेंस के देने पर उसका आबिद हुसैन कमेटी ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और सी रंगाराजन कमेटी ऑन डिस इन्वेस्टमेंट ओके मेमोरेंडम ऑफ अंडस्ट्रीन इज अर्जुन सैन गुप्ता थे सैन गुप्पा ओके जो एम बनाया गया था एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करें न्यू थ्रस्ट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री गिवन इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ नाइनटीन और एम एस एम ई डी एक्ट वॉज इनेक्टेड इन टू थाउंड सिक्स एंड कॉन्ट्रीब्यूट एट परसेंट ऑफ टू जी डी पी एंड फोटी फाइव परसेंट टू ऑल मैनुफैक्चर एंड फोर्टी टू परसेंट टू एक्सपोर्ट्स सो अकॉर्डिंग टू फोर्थ सेंसस ओके सिक्सटी सेवन परसेंट ऑफ द एम एस सर इन मैन्यूफेक्चरिंग दोस्तों याद रख लीजिए बट ए आउटडेटेड डेटा है

फर्स्ट स्टील इंडस्ट्री एट कुल्ती वेस्ट बेंगॉल ओके आयरन वर्क्स कंपनी वॉज एस्टैब्लिश इन एटीन सेवेंटी फोर और पहला लार्ज स्केल स्टील प्लांट जो है टिस्को एट जमशेदपुर नाइनटीन ओ सेवन वॉज फॉलोड बाई इस एट बनपुर वेस्ट बेंगाल द फर्स्ट पब्लिक ओन स्टील प्लांट वॉज रॉकेला इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट प्रेजेंटली इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूजर ऑफ स्टील एंड कम फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ स्पॉन्ज आयरन इंडस्ट्री ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकेशंस और असिस्टेंस किसके द्वारा दिया जाता है तो रोकेला जो उड़ीसा में है प्लांट इसका असिस्टेंस हमको मिलता है जर्मनी से भिलाई छत्तीसगढ़ का असिस्टेंट रशिया ओके बकारो रशिया विशाखापट्टनम का जो है वो भी रशिया बट दिस वन दुर्गापुर जो वेस्ट बंगाल में है वो ब्रिटेन असिस्ट करता है राइट right? उसके बाद हमारे इंडिया में जूट इंडस्ट्री की बात करें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फेमस है क्योंकि इंडिया रैंक नंबर वन इन जूट इंडस्ट्री एंड नंबर टू इन रॉ जूट एक्सपोर्ट्स आफ्टर बांग्लादेश पे आप देखेंगे तो मोर देन टू थर्ड ऑफ जूट इंडस्ट्री जो है वो आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगी दोस्तों के वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये और कॉटन एंड टेक्सटाइल में हमारा इंडिया किस तरह परफॉर्म कर रहा है क्योंकि लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज एंड ब्रॉड बेस्ड इंडस्ट्री है विच अकाउंट्स फॉर फोर परसेंट ऑफ जी और ट्वेंटी परसेंट ऑफ मैनुफेक्चरिंग वैल्यू राइट एंड सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें सो सीमेंट इंडस्ट्री इज नथिंग बट फर्स्ट सीमेंट प्रोड्यूसिंग यूनिट को सेटअप किया गया था चेन्नई में नाइनटीन में बट मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ सीमेंट स्टार्टेड एट पोर पंदर दोस्तों ओके okay, 1914 में और इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सीमेंट इन द वर्ल्ड शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो शुगर इंडिया इज अ सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड विद ट्वेंटी टू परसेंट शेयर इट इज अ सेकेंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री दोस्तों ठीक है और क्या क्या कमिटीज बनाई गई थी वेरियस सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ए सी शाह कमेटी है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को बनाया गया था बिमल जलान कमेटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्ट्रूमेंट्स इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है. मालेगाम कमेटी ये भी इंपॉर्टेंट है जो कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पे इसको बनाया गया था ओके okay? नेक्स्ट है हमारा कृति पारे कमेटी रेशनलाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट चतुर्वेदी कमेटी बनी गई थी नेशनल हाईवेज़ पे एस आर हाशिम बनी थी दोस्तों कमेटी अर्बन पावर्टी पर नेक्स्ट okay? दामोदरन कमेटी इंपॉर्टेंट है कस्टमर सर्विस बैंक पे एंड पाटिल कमेटी कॉर्पोरेट डेट पर बनी गई थी खन्ना कमेटी रीजनल रूरल बैंक्स गार्डगिल कमेटी दिस ऑल्सो इम्पोर्टेंट जो कि फाइनेंशियल इन्क्लेशन पर बनाया गया था okay? सो so, अदर्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं बट फिर भी आप देख सकते हैं उसका स्क्रीन शॉट लेके पढ़ सकते हैं नेक्स्ट बैंकिंग एंड फाइनेंस जो कि पार्ट है इकोनॉमी का सो बैंक ऑफ हिंदुस्तान वॉज अ फर्स्ट बैंक एस्टैब्लिश इन इंडिया सेवन सेवन दोस्तों कौन सी बैंक है पहली बैंक जो स्टैब्लिश किया गया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब एस्टैब्लिश किया गया था में नॉट नाइनटीन सेवन सो फर्स्ट बैंक विद लिमिटेड मैनेज बाई इंडियन बोर्ड्स फॉर आउ कमर्शियल बैंक दोस्तों लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ एटीन एटी वन में फर्स्ट प्योरली इंडियन बैंक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक एटीन नाइन्टी फोर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक लाया गया था दोस्तों बिकॉज नाइनटीन जुलाई नाइनटीन सिक्सटी नाइन में चौदह कमर्शियल बैंक्स को यू you नो know, ये कर दिया गया नेशनल कर दिया गया था उसके बाद नाइनटीन एटी में थोड़े बैंक्स को किए सिक्स मोर बैंस को अभी टोटल नंबर ऑफ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स फोर्टी सेवन अभी रेड्यूस कर दिया गया दोबारा से फिर से नेशनलाइज करके उसको कम कर दिया गया है लेटर ऑन नाइनटीन नाइनटी थ्री गवर्नमेंट मर्ज न्यू बैंक ऑफ इंडिया विद पंजाब नेशनल बैंक भारतीय महिला बैंक भी जो है एस से इसको मर्ज कर दिया गया है दोस्तों जो कि सिर्फ वोमेंस के लिए लाया गया था 2017 में मर्ज किया आईडीबीआई बैंक फॉर्मली नोन एज इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हेडकोर्टर मुंबई सितंबर 2004 में आरबीआई आईडीबीआई डी बी आई एज ए शेड्यूल बैंक को घोषित किया था 1934 में दोस्तों 2019 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यूनाइटेड बैंक को मर्ज किया गया पंजाब नेशनल बैंक सिंडिकेट बैंक को कैनरा में मर्ज किया गया ओके okay? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आंध्र बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक को मर्ज किया गया राइट और इंडियन बैंक अलाहाबाद में मर्ज हो गई है तो बहुत सारे मर्ज करके बैंक्स को कम कर दिया गया है अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो आरबीआईन नाइनटीन थर्टी फाइव अंडर आरबीआईन एक्ट फोर और हमारे इंडिया की ये सेंट्रल बैंक है द मेन पर्पज ऑफ क्रिएटिंग आरबीआई वॉज टू रेगुलेट मनी सप्लाई क्रेडिट इन द कंट्री और आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था नाइनटीन में एंड फर्स्ट गवर्नर वॉस सी डी देश मुक्त दोस्तों फंक्शंस ऑफ आरबीआई की बात करें मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेशन सुपरविजन ऑफ बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशल इंस्टीट्यूशन डेट हो या फिर कोई कैश मैनेजमेंट हो वो संभालने का काम करती है फॉर स्टेट एंड सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स ठीक है एक्सचेंज मैनेजमेंट करेंट एंड कैपिटल अकाउंट ओके रिसर्च एंड स्टडीज डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस यहाँ इसके होते हैं ठीक सोर बी एंड क्रेडिट कंट्रोल की बात करें कॉवटिटी क्रेडिट कंट्रोल इट इज यूज टू कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इन डायरेक्टली टू कंट्रोल द इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी मेजर दोस्तों पहला है बैंक रेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी टर्म्स मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा वो बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा ध्यान लगाइए पहला है बैंक रेट दोस्तों इट इज़ रेट एट एटविज आर बी गज फाइनेंस टू कमर्शियल बैंक ओके सो आर बी आई जो पैसा दे रही है कमर्शियल बैंक को चाहे कोई भी हो अलाहाबाद हो कोई भी बैंक हो कैनरा बैंक हो Okay. जो रेट पे आर देती है ना उसको हम बैंक रेट कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो सो बैंक जो है अपना थोड़ा पैसा आर के पास जमा करते हैं एज ए सीलिंग रेट ऑन ए सीलिंग रेट उसे हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं स्ट्रेटेजरी लिक्विडिटी रेशो इट इज अ रेशियो ऑफ लिक्विड एसेट विच ऑल कमर्शियल बैंक हैव टू कीप इन द फॉर्म ऑफ कैश मतलब जितने भी बैंक्स हैं वो जो है थोड़ा अपने एसेट्स का हिस्सा दे हैव टू कीप इन द फॉर्म ऑफ कैश गोल्ड और गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज ओके नेक्स्ट आता है रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है ठीक है इट इज़ अ रेट एट विच आर बी आई लेंड शॉर्ट टर्म मनी टू द बैंक जिसे हम रेपो रेट कहते हैं वही अगर इट इज़ अ रेट एट विच बैंक पार्क शॉर्ट टर्म अगर कोई एक्सेस लिक्विडिटी हो जाए तो बैंक जो है अपना पैसा आर के पास पार्क करती है दैट इज रिवर्स रेपो रेट दिस इज ऑलवेज हंड्रेड बेसिस पॉइंट वन परसेंट लेस दैन द रेपो रेट उसके बाद क्वालिटेटिव सेलेक्टिव और डायरेक्ट क्रेडिट कंट्रोल की बात करें तो so, एक्चुअली ये लाने का पर्पज़ ये था लोन uh, ना दिया जाए फॉर एनी मिस यूज परपज के लिए दोस्तों क्रेडिट रेशनिंग रेगुलेटिंग लोन टू कंजन सो न्यू लाइसेंस की बात करें अप्रेल टू थाउजेंड फिफ्टी आई प्रोवाइडेड लाइसेंस टू प्राइवेट सेक्टर नेमली फाइनेंशियल और आईडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी उसके बाद मुद्रा बैंक को लाया गया माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड री एजेंसी बैंक दोस्तों जो कि दो में इसको सेटअप किया गया था अंडर सिडबी Uh, इन्होंने तीन तरह के लोन्स को डेवलप किया था शिशु लोन एस के टी में शॉर्टकट याद रख लिया था okay? शिशु लोन जो कि लोन्स कवर अप टू फिफ्टी थाउजेंड किशोर जो कि पचास हज़ार से लेकर पाँच लाख तक और तरुण पाँच लाख से दस लाख तक लोन ये लोग देते हैं दोस्तों इस इसके बाद इंदिरा धनुष स्कीम आई थी दो में ओके okay? जहाँ पर बैंकिंग रिफॉर्म्स की बात किया गया था विच इंक्लूड्स अपॉइंटमेंट कैपिटलाइजेशन एम्पावरमेंट अकाउंटेबिलिटी ओके और गवर्नमेंट्स रिफॉर्म्स करना बैंक ये सारा कुछ रिफॉर्म्स करने की बात की गई थी 2015 में राइट उसके बाद फिफ्टीथ फाइनेंस कमीशन बनाई गई थी अंडर आर्टिकल 280 एटी एंड फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज हेडेड बाय केसी सी नियोगी और फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन को हेड किए थे एन के सिंह दोस्तों ठीक स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की बात करें सो कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड वेल मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड दोस्तों स्टॉक मार्केट आप सभी लोग जानते हैं कई सारे लोगों के घरों में तो सुबह से वही न्यूज़ चलती है सो कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया को कौन रेगुलेट करता है सेबी सेबी रेगुलेट करता है ओके okay? उसको so, बनाया गया था 1988 एक्ट के तहत ओके एंड स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड सर्विसेज फॉर ब्रोकर्स ट्रेडर्स ताकि वो स्टॉक्स को ट्रेड कर सकें ओके एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इस स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड ऑन दलाल स्ट्रीट मुंबई एंड द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया दी एस सी एस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज इन दर्ल्ड एस्टैब्लिश एटीन सेवेंटी फाइव

फॉरेन ट्रेड की बात करें पहला है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड के ये भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड होते हैं कि सो द डिफरेंस बिटवीन नेशन इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट्स एक्सपोर्ट ओके सो जो भी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज और जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं दोनों के बीच का जो यू नो जो मनी डिफरेंस होता है इसे हम क्या कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है दे आर थ्री पॉजिबिलिटीज ऑफ ट्रेड्स चाहे एक्सपोर्ट्स आर इक्वल टू इम्पोर्ट्स ओके एडवर्स मतलब एक्सपोर्ट जो है कम है इम्पोर्ट्स ज़्यादा है फेवरेबल मतलब एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं दोस्तों हमको प्रॉफिट मिल रहा है इंपोर्ट्स हम कम कर रहे हैं ठीक है उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो ये सब कुछ ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड होता है राइट बिट सर्विसे एंड एसेट बिटवीन द रेजिडेंस ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देर आर टू मेन अकाउंट्स दैट इज करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट कहते हैं इसको राइट एंड नेक्स्ट इज नथिंग बट फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कितना एफ डी आई आया कौन सी कंट्री से ज़्यादा एफ डी आई मिल रहा है सब कुछ इसमें रहता है सो इट इज अन इन्वेस्टमेंट इन ए फॉरिन कंट्री तो एक्विजेशन ऑफ लोकल कंपनी और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑपरेशन ठीक है सो एफडीआर लिमिट्स यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना अलो है ओके चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों एयरलाइंस में देखिए डिफेंस में देखिए पूरा हंड्रेड परसेंट अलो किया गया नेक्स्ट है हमारा कुछ इकोनॉमिक टर्म्स देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों एसेट्स किसे कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड को एसेट कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड किसे कहते हैं अभी मैंने आपको बताया कि डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ टू कंट्रीज विथ ईच अदर बैलेंस शीट की बात करें इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जनरली चेक मैंने बता दिया आपको बाटर टू ट्रेड बाय एक्सचेंजिंग वन कॉम्यूडिटी फॉर अनदर बेयर किसे कहते हैं द टर्म ऑन चेक एंड बिल्स डिनोट्स दट एनी पर्सन होल्डिंग द सेम हैज सेम राइट टू इट ब्लैक मनी इट मीनस अनअकाउंटेड मनी कंसेल्ड इनकम एंड अनोज वेल्थ दोस्तों बॉन्ड की बात करें लीगल अग्रीमेंट टू पे सटन सम ऑफ मनी एट सम फ्यूचर डेट एंड कैरिंग फिक्स रेट ऑफ़ इंटरेस्ट बजट एंड एस्टिमेट ऑफ एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर फॉर गिवन पीरियड ओके जिसे हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं ई जिसे कहा जाता है अंडर आर्टिकल वन टूल्व राइट बजट डिफिजिट किसे कहते हैं जब एक्सपेंडिचर होता है ना गवर्नमेंट का वो रेवेन्यू से ज्यादा हो जाता है मतलब खर्चा जो है ज्यादा हो जाता है इनकम से उसे हम बजट डिफिजिट कहते हैं बुल्स स्पेकुलेटर्स इन द स्टॉक मार्केट हु बाई गुड्स इन सम केसेज विदाउट मनी ओके ताकि वो प्राइजेस को ऊपर लेकर आना चाहते हैं बुल एंड बेर आपने सुना होगा बायर्स मार्केट एन एरिया इन विच सप्लाई ऑफ सर्टन गुड्स एक्सिट द डिमेंड सो दैट परचेजेज कैन ड्राइव हार्ड बार्गिनस कमर्शियल बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट क्रिएट क्रेडिट एक्सेप्ट डिपॉजिट ओके सब कुछ रहता है लोन्स देते हैं डिपॉजिट रख लेते हैं सेविंग कर लेते हैं लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं सारा कमर्शियल बैंक कॉल मनी क्या होता है लोन मेड फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं कॉल मनी कहते हैं ठीक डिफ्लेशन इट इज अ स्टेट इन ए मॉनिटरिंग इन मनी सर्कुलेशन डिप्रीशिएशन रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेज ड्यू टू वेर एंड टेयर डीवैल्यूएशन की बात करें ऑफिशियल रिडक्शन इन द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ठीक है डिवैल्यूएशन नथिंग बट क्या होता है कि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है चाहे वो रुपी हो उसका जो है अगर फॉरेन मार्केट की बात करें तो उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है ठीक है डिविडेंड नथिंग बट अर्निंग ऑफ स्टॉक पेड टू शेयर होल्डर्स डंपिंग दोस्तों सेल ऑफ कम्युनिटी एट डिफरेंट प्राइजेस इन डिफरेंट मार्केट्स ठीक है लोअर प्राइस बींग चार्ज इन मार्केट नेक्स्ट एक्सचेंज रेट की बात करें द रेट एट विच सेंट्रल बैंक्स विल एक्सचेंज वन कंट्री टू फॉर अनदर ओके एक्साइज ड्यूटी टैक्स इंपोज ऑन मैन्युफैक्चर सेल कंजप्शन ऑफ वेरियस कम्युडिटी सब कुछ होता है फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टैक्स पॉलिसी इन बोरिंग जी डी पी आप सभी लोग पता है रेपो रेट मैंने बता दिया इन्फ्लेशन जो कि सस्टेन और अप्रिशिएबल इंक्रीज इन प्राइस ऑफ लेवल मतलब एक सडन इंक्रीज सडन स्पाइक ऑफ प्राइसेस जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं फॉर ए कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम मोनोपोली आप सभी लोगों को पता है single, मतलब सिंगल मोनो मतलब सिंगल सिंगल सेलर सेलिंग सेलिंग प्रोडक्ट बायलेटरल मोनोपोली जो कि सिंगल सेलर है और सिंगल बायर भी है मोनोसॉफ्ट सिंगल बायर बाइंग प्रोडक्ट ओलिगोपोली एक्जिस्ट ऑफ फ्यू सेलर्स एंड फ्यू प्रोडक्ट्स रिवर्स रेपो रेट ये भी हमने डिस्कस कर लिया है ठीक okay? है सो दिस इज़ अबाउट द इंडियन इकोनॉमी दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जैसे फॉरेन ट्रेड एफ डी आई बी ओ पी बी ओ टी सारे हमने शॉर्ट एंड सिंपल में पढ़ लिया है उम्मीद है कि आपको क्लियरली समझ में आया होगा तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद टेक केयर स्टे सेफ़ स्टे हेल्थी थैंक यू सो मच